नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्व और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा में। आज हरियाणा की बात करने से पहले बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट में पेश होगी ये सर्वे रिपोर्ट और ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर ने दो दिन की मोहलत मांगी थी सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए, जिसके बाद कोर्ट ने दो दिन की मोहलत दी और आज ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्वे रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। बहुत बड़ा दिन है आज ज्ञानवापी मामले को लेकर, क्योंकि आज ही इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और जिला कोर्ट में भी इस मामले में आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, सर्वे रिपोर्ट भी पेश होने वाली है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। देखिए पूर्वा, आपको बताना चाहेंगे कि कल जो पहले जो कोर्ट कमिश्नर थे जिन्हें अदालत ने कार्यमुक्त कर दिया था, अजय मिश्रा, तो 6-7 तारीख की जो कार्रवाई थी, सर्वे की जो वीडियोग्राफी हुई थी, जो फोटोग्राफी हुई थी, उसको अजय मिश्रा ने कल देर शाम को रवि कुमार दिवाकर जो सीनियर डिवीजन के सिविल जज है उनकी अदालत में उसको प्रस्तुत किया है। और रही बात ये इधर की जो 3 दिन की सर्वे की रिपोर्ट है, जो अभी वर्तमान स्पेशल कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, वो आज वो प्रस्तुत करेंगे। लगभग 2 बजे के आसपास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो आज की स्थिति जो है देखने लायक होगी, क्योंकि कोर्ट में परसों भी काफी गहमा गहमी थी और कल चुकी हड़ताल थी यहाँ पे, इसलिए कल कुछ न्यायिक कार्य नहीं हो पाए थे। तो आज जो देखना बेहद अहम होगा कि उस पर अदालत ने अब अपना क्या रुख तय करता है, अदालत उसमें अगला क्या इनिशिएटिव लेता है। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष भी लगातार जो है अपने अपने दावे कर रहा है, तो उसको देखते हुए आज का दिन बेहद अहम है। जी अपूर्वा, तो यहाँ पर पंकज मैं आपसे जानने वाली हूँ कि आज क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं खास सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले से जुड़े, क्या क्या मुद्दे आज मुस्लिम पक्ष की बात कर ली जाए या हिंदू पक्ष की बात कर ली जाए, तो क्या क्या दावे आज दोनों पक्ष की ओर से किए जाने वाले हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, फवारा है, वही हिंदू पक्ष बोलता है कि शिवलिंग है। दूसरी तरफ जैसे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के जिलाधिकारी को बोला है कि वहाँ नमाज अदा करने पर रोक ना लगाई जाए, नमाजियों को नमाज अदा करने दिया जाए, साथ ही जहाँ जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है कल उसी एरिया को सील करने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है, तो उसको देखते हुए देखिए आज का दिन जो दिन है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे बनारस की निचली अदालत की बात करें, बेहद अहम होगा। कि अब देखना ये होगा कि जो न्यायाधीश है वो उसमें क्या कहते हैं, किसके फेवर में बात करते हैं या दोनों पक्ष को संतुष्ट करते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा आज का दिन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।